भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दिव्य अलौकिक ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है, उसके अध्ययन से हम अपने जीवन की हर चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं, या उन्हें अपने जीवन की फिक्र सताती रहती है, उन लोगों को एक नया नजरिया मिलेगा भगवान के स्वरूप को जान लेने के बाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें श्रीमद् भागवत गीता से कर रहे हैं, और ये बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छा अनुरूप नाना रूपों में तथा लीला व चित्त की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व रूप में जो प्रकट होना है उसके बारे में भगवान ने बताया है। भगवान का जो प्रकट होना है उसको देवता लोग और महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं, अर्थात भगवान किन किन समय में, किन किन हेतुओं से और किस प्रकार प्रकट होते हैं, उसको जो रहस्य है, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, समर्थ देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा है कि जिन देवताओं और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ, और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि जो भी प्रभाव हैं वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा हूं, अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता है। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की संस्थापना के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण है, वे ही नित्य हैं और वे ही सदा से हैं। अर्थात भगवान अनादि हैं। जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सबके महान ईश्वर हैं। भगवान ही सबके नियंता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं।
जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि जगत में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है, जितने भी देवी देवता हैं वे भगवान के ही अंश हैं, ऐसा मानना चाहिए। और देवी देवता जितने भी प्राणी हैं जिनमें मनुष्य भी हैं वे सब भगवान के ही अंश हैं। जो भी भगवान के इस तत्व को भली भांति समझ लेता है वह स्वाभाविक ही अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है और विषयी लोगों की तरह उन्हें सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता है। इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्मों के सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि प्राणियों के जितने भी प्रकार के भाव होते हैं वो सब उनसे ही होते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार जितने भी प्रकार के विभिन्न भाव होते हैं वे सब भगवान की ही सहायता शक्ति और सत्ता से ही होते हैं। भगवान कहते हैं सात महर्षि जन, उनके पहले के भी सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी को भी पूजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के आदि अनंत और सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है। जो भी व्यक्ति जिस देवी देवता का पूजन करता है भगवान श्री कृष्ण ही उसकी भक्ति को उस देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं। और जो व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मानकर भक्ति भाव से समर्पण करता है वह अंत में इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान के दिव्य लोक में चला जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग देवी देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं वो उन देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन स्वर्ग के जो भोग होते हैं वह समय आने पर समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भजने वाले जो भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य लोक से वापस नहीं आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।